देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी, मैं हूं स्मिता सिंह। दोस्तों, कमाई के 100 साधन हैं, बस गणित समझ आना चाहिए। कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने का ऐसा ही एक जरिया है फिश नर्सरी, जिसमें आप थोड़ी लागत के साथ 50,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र में किस्मत आजमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसानी ही करें। इसी क्षेत्र में कई और ऐसी राहें हैं जिनमें आप कम मेहनत में, कम लागत में बेहतर आमदनी ले सकते हैं, जैसे कि मछली पालन। चंद शब्दों में कहूँ तो सरल, सुगम, कम वक्त और थोड़ी देखभाल। हाँ, जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले ज़रूरी है कि जानकारी जुटाएं, तो वो नियम यहाँ भी लागू होता है। अगर आप मछली पालन का मन बना चुके हैं तो पहले जानकारियाँ जुटाएं और फिर हाथ आजमाएं। हाँ, परंपरागत तरीके से मछली पालन करने की बजाय फिश नर्सरी लगाएं। इसमें आप साल भर में 3 से 4 बार अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। देखिए, अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपको मछली के बड़े होने तक मुनाफे के लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिश नर्सरी में आप बीज डालने के बाद बच्चे बनने पर उन्हें सेल कर सकते हैं। इससे आप कम समय में अच्छी आय जुटा पाएंगे। मछली का बच्चा अंदाजन 1 से 3 रुपए के बीच आसानी से बिकता है और आप इससे कितनी कमाई कर लेंगे ये तय करेगा आपके पॉन्ड यानी कि तालाब का साइज। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 बीघा जमीन पर तालाब बनाते हैं तो इसमें आप 3 लाख तक मछली के बच्चे तैयार कर सकते हैं और 2 से 3 महीने में जब बच्ची का वजन 20 से 30 ग्राम हो जाए तो इन्हें बाजार में बेच सकते हैं। अब मुनाफे का गणित आप कुछ यूं बना सकते हैं कि मान लीजिए 3 लाख बच्चों में से मछली के सिर्फ 50% यानी कि 1.5 लाख बच्चे ही जिंदा रहे और अब ये 1.5 लाख बच्चे आपसे कोई खरीदने आता है तो प्रति बच्चा वो आपको कीमत देता है 1 रुपया, तो आपको 3 महीने में मुनाफा कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप यही मछली के बच्चे किसी मछली पालक के तालाब में डालने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, तो प्रति बच्चे आपको कीमत मिलती है कम से कम 3 रुपए, यानी 3 महीने की कमाई हुई यहाँ आपकी 4.5 लाख रुपए। इसी तरह आप हर 3 महीने में मछली के स्पॉन यानी कि जीरा डालकर तालाब में मछली के बच्चे तैयार कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप साल में 3 से 4 बार मुनाफा ले सकते हैं। अब बात करें कुल मुनाफे में से लागत को घटाने की, तो देखिए, 3 लाख मछली के बच्चों का बीज या कह लीजिए स्पॉन या जीरा करीबन 15,000 रुपये का पड़ता है। अब बात करें बीज से बच्चे बनने तक के 3 महीने के सफ़र के दौरान लागत की, तो इस दौरान आपको शुरू में हर दिन सिर्फ 1 से 2 किलो तक मछली का चारा तालाब में डालना होता है, जिसे तीसरे महीने में बढ़ाकर हर दिन 10 किलो कर दें। तो इस तरह हद से हद आपकी लागत बनती है मुनाफे की करीब 30%, यानी आप हर 3 महीने में 1.25 लाख रुपए के करीब लगाकर 4.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। बस कुछ एक एहतियात जरूर बरतें, जैसे फिश नर्सरी लगाने से पहले जानकारों से सलाह जरूर ले लें कि आपका क्षेत्र मछली पालन के लिए उचित है या नहीं। अगर आप गांवों में तालाब में फिश नर्सरी लगाने की सोच रहे हैं तो परमिशन जरूर लें। मछली का बीज तालाब में डालने से पहले उसकी अच्छे से सफाई करा लें। ध्यान रहे कि तालाब में जलीय पौधे बिल्कुल ना पनपें। ऐसी ही छोटी छोटी और कुछ एहतियात बरतकर आप इस क्षेत्र में मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।